क्यों नहीं लग रहा? शेखर को ही लगा रही हो ना? यही तो भारतीय नारी की प्रॉब्लम है, हर वक्त बस पति के ही पीछे पड़ी रहती है। अनअवेलेबल आ रहा है, शायद वहां सिग्नल नहीं होगा। और पूछोगी तो और कितनी वजह गिना देगा कि बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जर होटल भूल आया था, या फिर फोन बंद रखा हुआ था कि कोई डिस्टर्ब ना करे। भला अपनों से भी कोई डिस्टर्ब होता है? भाई मैं नए जमाने की तो नहीं हूं, पर नए बहानों पर रिसर्च की है मैंने। मेरा तो कहना है जब उसे जाने ही दिया है तो 4 दिन आराम से रह लेने दो। यहां का माहौल तो तुम देख ही रही हो, किसी भी भले चंगे आदमी का दम घुटने लगेगा, फिर मर्दों के सब्र का प्याला तो जरा जल्दी ही भर जाता है। सब्र का प्याला? हाँ, वही 4 दीवारें, वही चेहरा, वही भी उगता जाएगा। और इस बार तो सुना है किसी हीरोइन का इंटरव्यू लेने गया है, वहां तो और भी खूबसूरत चेहरे होंगे। शेखर ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी का शिकार तो हर बीवी होती है, पर मेरा कहना है कि मौका मिलने की बात है। देखो, एक्सीडेंट कभी अपनी वजह से नहीं होता, हमेशा दूसरे की वजह से होता है। आदमी कितना ही समझदार क्यों ना हो, हर चीज पर उसका कंट्रोल तो नहीं होता ना। पता नहीं कब क्या संजोग बने। पर तुम परेशान मत हो, शेखर ऐसा नहीं है, काम में बिजी होगा, मौका मिलते ही तुम्हें फोन करेगा। मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, शेखर से बात करने का मेरा मन कर रहा था। होगा, तुम्हारा मन तो होगा ही। अरे उसके पास तो मन बहलाने के और कई तरीके हैं, नौकरी है, साथ काम करने वाले लोग हैं, और अब तो वो हीरोइन भी है। पर तुम्हारी दुनिया तो बस शेखर शेखर शेखर। पर मुझे अपने शेखर पर पूरा भरोसा है, उसका मन भी बेचैन हो रहा होगा। अभी तू कहाँ जाएगी छमिया? प्लीज मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए। तुम्हें भगवान के लिए छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज 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 तुम्हें उस लड़की की तलाश है ना, जिसकी शादी है वो लड़की मैं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। I'm gonna kill you. I'll kill you, bastard. तुम गाड़ी में बैठो। ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ शूटिंग चल रही है, समझे? I'm sorry. Nonsense. अजीब आदमी है, पता नहीं आजकल सरफिरों की गिनती कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रही है। मैडम मेरा एक सीन है, मेरा प्लीज प्लीज मेरा एक ही सीन है, आप तो जल्दी में छोड़ो। मैडम सुनिए तो सही, आज के डेट का चेक दीजिए। हाँ मैम। बीके तुमसे कितनी बार कहा है नॉक करके आया करो। कोई बात नहीं, फिर से आ जाता हूँ। मैं आई कम इन? क्या है? अंदर आने के लिए तो कहिए। अब खेल खेल रहे हैं तो पूरा खेलिए मैम। शराब मैम, देखिए प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान हो जाएगा, वैसे भी आज का शूट। मैम देखिए आपकी इमेज प्रोफेशनल एक्ट्रेस की है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए ना। परसों की डेट दे देता हूँ। ये आदमी कौन है? अच्छा ये तो शेखर पांडे है मैम। कौन शेखर पांडे? वही जो मुंबई से आया आपका इंटरव्यू लेने। आधे घंटे में भेजता हूँ। क्या? अच्छा तो नेत्रा जी आपकी पहली फिल्म कौन सी थी?
ये सवाल आप अपने आप के लिए पूछ रहे हैं या मेरे फैंस के लिए? मेरे फैंस मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, सिवाय इसके कि इस इमेज के पीछे असली नेत्रा कौन है। आप ये बताइए कि आप फिल्मों में कैसे आए? बचपन से इंटरेस्ट था या किसी चीज से इंस्पायर्ड होकर? मिस्टर व्हाटएवर, आपको इस सवाल का जवाब मेरे किसी पुराने इंटरव्यू से भी मिल जाएगा। आई थिंक इसका जवाब मैं 70 बार दे चुकी हूँ। मैडम एक बात पहले ही तय कर लेते हैं, मैं आपको एक्टिंग नहीं सिखाऊंगा और आप मुझे जर्नलिज्म नहीं सिखाएंगे। लिसन, अगर आप मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे। हेलो, तो अब मुझे आपके फोन रखने का इंतजार करना। मतलब? मतलब ये कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपना फोन ऑफ रखिए। मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करता हूँ, यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है। बाय। मैडम जिंदगी में कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। एक्सक्यूज मी। हेलो एडिटर साहब, नेत्रा जी। अरे नेत्रा जी, हाउ आर यू? क्या सर आपका इंटरव्यू? आई टेल यू, शेखर इज माय बेस्ट जर्नलिस्ट। देखिए आप काफी सीनियर हैं, इंडस्ट्री में काफी इज्जत है आपकी, यही सोचकर मैंने आपको वक्त दिया था। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरे वक्त की कुछ कीमत है। आप जरा कुछ साफ साफ कहेंगे कि क्या हुआ? देखिए एडिटर साहब, कुछ वक्त तो मुझे भी हो गया इस इंडस्ट्री में, एक पोजीशन है मेरी। इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूँ आपसे कि आप मुझे एक सुलझा हुआ जर्नलिस्ट भेजें। ये तो अपने ही ख्यालों में गुम रहता है, फोन बजता रहता है बार बार उसका, इतने बेसिक क्वेश्चंस किए जा रहे हैं मुझसे। आई मीन नो होमवर्क, कोई तैयारी नहीं है, बस मुंह उठाए और चले आए। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। खैर, आपको मेरे वक्त की कीमत मालूम हो ना हो, मुझे मालूम है, इसलिए कहती हूँ कि उसे वापस बुला लीजिए। देखिए नेत्रा जी, आई डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपने मेरे कहने से अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कल उसे एक बार और मिल लीजिए। जरूर कोई ऐसी बात हो गई होगी, वरना ही इज वेरी कॉम्पिटेंट। फॉर योर सेक आई विल गिव हिम वन मोर चांस। थैंक्स अ लॉट। हेलो जिया। शेखर, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। जिया प्लीज, इस वक्त तुम तो कोई कंप्लेंट मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? ये तो मैं मुंबई आके बताऊंगा, मैं अगली फ्लाइट से मुंबई आ रहा हूँ। काम हो गया? ये काम मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं चले जाते इन स्टार्स के नखरे। पर हुआ क्या? होना क्या, एक तो घंटों भर इनका इंतजार करते रहो, ऊपर से तुम्हें यही आके बताएंगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, क्या सवाल पूछना है क्या नहीं पूछना, तो हमारी जरूरत ही क्या है? जी शेखर को मैं जानती हूँ, वो इस तरह काम अधूरा छोड़कर कभी नहीं आता। तो ठीक है, मैं शेखर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक पल और नहीं रुकूंगा। मैं अभी एडिटर साहब को फोन करूंगा, उनको कह दूंगा कि ये काम मुझसे नहीं होगा। एक तो पहले तो मैं अकेला छोड़ के आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से इस महारानी के नखरे। ठीक है, तो अभी एडिटर से फोन करो और जल्दी से आ जाओ। सर मैं आप ही को फोन करने वाला था। अरे भाई शेखर, क्या है, इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ अभी तक? सर कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? सर मुझसे नहीं झेले जाते स्टार्स के नखरे। मुझे लगता था कि ये फिल्मी इंटरव्यू बहुत आसान काम है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि इतना मुश्किल है कि मुझे खुद पे शक होने लगा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। तुमने इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लिया है। भाई देखो, फिल्म पर्सनैलिटीज का इंटरव्यू लेना भी कोई छोटा काम नहीं होता है, और क्या है कि ये फिल्म स्टार्स भी थोड़ा सा अटेंशन मांगते हैं। गिव देम सम अटेंशन और ऐसा इंटरव्यू करो कि सब देखते रह जाए। आप तो जानते ही है ना सर। देखो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शेखर इज माई बेस्ट बॉय, और तुम कोई काम अधूरा छोड़कर नहीं आओगे। यू डू वन थिंग, कल सुबह तुम उनके घर चले जाओ। घर? हाँ हाँ, मैंने वक्त ले लिया है और घर का एड्रेस मैं तुम्हें SMS कर दूंगा। और हाँ सुनो, वक्त पे पहुंच जाना, जरा टाइम की काफी पर्टिकुलर है वो। शेखर, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ओके सर, फाइन।
यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो बेटा? बाबा, शेखर का फोन आया? फोन तो आया था बाबा, लेकिन ठीक से बात नहीं हो पाई, बहुत बिजी है शायद। अरे ऐसा भी क्या बिजी है, आने दो उसे, ऐसी खबर लूंगा कि। लेकिन इस वक्त मेरा मन जो कर रहा है उसका क्या करें? क्या बाबा? जब से तुमने खाना बनाना छोड़ा है तब से खाने में रस ही निकल गया है। जिया, तुमसे किसने काम करने के लिए कहा किचन में? तुम जाओ यहां से, किचन में काम करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा, अभी मेरा खाना पकाने का मन नहीं है। तुम्हारा मन नहीं? क्या बात है बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना, कि कोई और बात है? हम कुछ कहें? कोरक? हाँ कहो। बाबूजी, उस दिन जिया दीदी को माँ जी ने। कोरक, क्या कह रहे हो तुम, कुछ भी बकते रहते हो। कहने दो इसे जिया, कोई तो है इस घर में जो मुझे बता रहा है कि क्या चल रहा है इस घर में? क्या क्या रुक्मिणी ने, बताओ। बाबूजी, उस दिन जिया दीदी को माजी ने रसोई में जाने से मना किया था। क्या? तब से जिया दीदी रसोई में नहीं जाती। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ तो मुझे मतलब वो तो चाहती थी कि मिनी जी, आज रात का खाना कौन बना रहा है? मैं हूँ, गोरख है, मैं भी हाथ बटा दूंगी, मतलब जो रोज बनाते हैं। क्या हुआ? आज का खाना जिया बनाएगी। जिया? अगर किसी को एतराज हो तो होटल से खाना मंगवा सकता है, लेकिन खाना तो जिया ही बनाएगी। मेरा घर है, या वही होगा जो मैं चाहूंगा। रुक्मिणी जी, ज्ञान भाई साहब को कुछ तो सोचना चाहिए, जिया के सामने आपको इस तरह डांट दिया, क्या इज्जत रह गई आपकी? कल वो भी आपकी क्या परवाह करेगी, उसे लगेगा बाबा मेरे साथ हैं, कुछ भी करूं, और वो कुछ भी करेगी। देखिए, मैं तो इस घर में मेहमान हूं, चली जाऊंगी आज नहीं तो कल, लेकिन आपको इस तरह दबना नहीं चाहिए। देखिए, जितना ये घर उन लोगों का है उतना ही आपका भी है, अगर उन्होंने इस घर को बनाने के लिए पैसा कमाया है तो आपने इस घर को जोड़ने के लिए पसीना बहाया है। मैं तो एक बात कहती हूँ रुक्मिणी जी, घर पर असली हक औरत का होता है। अब शेखर तो वैसे ही जिया के हाथ में है, अब ज्ञान भाई साहब भी, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी इस घर में। बेटा, ऐसा खाना बनाना कि बस मजा आ जाए। बाबा, एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटा। बाबा प्लीज, माँ से कुछ मत कहिएगा, मैं उनका नजरिया, उनका व्यू पॉइंट समझती हूँ। यही तो दिक्कत है बेटा, तू सबका नजरिया समझती है, तेरा नजरिया कोई नहीं समझता। बाबा, मैं ऑलरेडी बहुत दुखी है, अगर आपने कुछ कह दिया तो। बेटा, तू कितनी आसानी से बातों को सोच लेती है, समझ लेती है, दूसरे ऐसा क्यों नहीं समझते?
डब्बो ये क्या कर रही है? एक्सरसाइज कर रही मम्मी। तू क्यों कर रही है? क्या बुखार चढ़ा है तुझे? बुखार नहीं चढ़ा है, एक्सरसाइज कर रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने ठान लिया है। क्या ठान लिया है? मैंने ठान लिया है कि मुझे दुनिया पे राज करना है। तो ये एक्सरसाइज करके दुनिया पे राज करेगी तू? हाँ, देखो ये देखो, यू कैन रूल द वर्ल्ड। देखो कितनी दुबली है, मुझे भी ऐसे ही दुबली बनना है मम्मी। मैंने तो ना एक डाइटिशियन से अपॉइंटमेंट भी ले लिया है, वो मुझे क्रैश कोर्स बताने वाली है, उससे मैं इतनी दुबली हो जाऊंगी। बस एक ही प्रॉब्लम है उसमें। वो क्या? उसका जो डाइट चार्ट है ना, उसमें उबली हुई चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई हैं, और मुझे खाना चटपटा नहीं होना, मज़ा नहीं आता। वैसे मम्मी, मसालों में कैलोरीज होती हैं क्या? तुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है डब्बो। दुनिया की तो मैं नहीं जानती, पर इस घर पर तू राज करेगी उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि तेरी सास जिया के बिल्कुल खिलाफ हो गई है, उसके मन में जो चिंगारी थी ना, उसमें घी डाल के मैं उसे और भड़का आई हूँ। मम्मी प्लीज, मैं दुबली होने की कोशिश कर रही हूँ, आप घी की बात कर रहे हो। घी की बात क्या की, मुझे तो घी की खुशबू भी आने लग गई। माँ खाना तैयार है। मैं जानती हूँ मैंने आपको नाराज किया है, मगर माँ एक बात बताइए, मैं कहाँ गलत थी, मुझसे कहाँ गलती हुई? जो हादसा मेरे साथ हुआ, क्या मैं उसे चुन सकती थी? माँ मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, उस एक सेकंड के अंदर मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है, और उस पर मुझे सिर्फ अरुषि का ख्याल आया। उसकी शादी होने वाली थी और मैं नहीं चाहती थी कि माँ, इस घर की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, और इस घर की शांति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आपको अब भी लगता है कि उस दिन जो मैंने फैसला लिया था वो गलत था और मेरी वजह से इस परिवार की इज्जत पर आंच आई है, तो किचन तो क्या, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ माँ, मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ।